शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य कुछ प्रदेशों में कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोरों शबाब पर है। इसमें शिव भक्त कांवड़िया पैदल चलकर कष्ट सहकर हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल की कांवड़ लेकर आते हैं। ऐसे में कठिन यात्रा के दौरान आप खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। किसी भी मौसम में हाइड्रेशन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, खासकर मानसून के मौसम में। जी हाँ, मानसून के मौसम में ठंडक के कारण हम पानी का सेवन कम करते हैं, लेकिन पानी की मात्रा कम कर देने से शरीर और स्किन में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है। जो लोग मानसून में हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते, उनके स्किन में रूखापन भी नजर आने लगता है। इतना ही नहीं, डिहाइड्रेशन के चलते आपको आपके शरीर में दर्द, पेट में ऐठन और कब्ज की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में कांवड़ यात्री जो हैं, वो कोशिश करें कि वाटर इनटेक को कम बिल्कुल भी ना करें। मानसून में वाटर इनटेक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए पानी की कमी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 गिलास पानी का सेवन करें। पानी का सेवन करने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं। वहीं मानसून के दिनों में सब्जियों के रस का सेवन करें। यात्रा के दौरान सब्जियों का रस पीने से हाइड्रेट रहेंगे और शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी। मानसून में खीरे का रस भी आप पी सकते हैं। खीरे में 70 से 80% वाटर होता है, जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। वहीं मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं तो चाय पीने के शौकीन हैं, तो चाय की जगह आप हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में दालचीनी और शहद से बनी चाय का सेवन फायदेमंद माना जाता है। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, जो मानसून में शरीर को गर्म रखने का काम करती है। वहीं शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मौसमी बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा कर सकता है। इतना ही नहीं, आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद करता है। नारियल पानी का सेवन करने से आपका शरीर जो है वो डिहाइड्रेशन से कोसों दूर रहेगा। वहीं इस यात्रा के दौरान आप प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करिए कि सात्विक भोजन का जितना ज़्यादा आप आहार लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।